कुछ विरोधी लोग भी हैं, सिस्टम में हो सरकार में हो नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनाया जाए तब विकास होगा, मंदिरों से विकास नहीं होगा। इतने लाखों करोड़ों ये बना दिया हॉस्पिटल है, लाखों करोड़ों, लेकिन तुम्हारी आस्था है तुम मंदिर में जाके हाथ टेक सकती हो, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बोलते डॉक्टर साहब भगवान हो तुम, आज तक किसी ने बोला? ये बताइए, 22 जनवरी का सारा देश इंतजार कर रहा है, पूरा देश राममय हुआ पड़ा है, आप भी इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, प्राण प्रतिष्ठा का, अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में? राम मंदिर के बारे में नहीं, मैं भी 22 ये जो मैं जो जगह आप और मैं जो ये अपन बक्सर में बैठे हैं, भगवान राम ने शिक्षा कहाँ लिया? यही प्राप्त बक्सर में लिया। दीक्षा कहाँ लिया? और भगवान एक दशरथ पुत्र राम में से रामचंद्र भगवान कहाँ बने? बक्सर में। ताड़का का वध किया, तब ताड़का का वध करने के बाद भगवान दशरथ पुत्र राम में से भगवान श्री रामचंद्र जी बने, पूर्ण पुरुषोत्तम बने, तो बक्सर में बने, और वही बक्सर में अयोध्या में रामलला की मूर्ति का स्थापन होगा, और यहाँ बक्सर में ये जो मैं कथा करवा रहा हूँ अभी आप सुन रहे हो राम कथा, यहाँ पे 22 तारीख को भगवान श्री राम को राज तिलक होगा, उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ भी राज तिलक होगा 22 तारीख को भगवान श्री राम का? भगवान श्री राम को राम कथा में राज तिलक होगा। अच्छा ये बताइए, आप तो बाबा इतना बोल रहे हैं पूरा देश राममय हुआ है, लेकिन कुछ विरोधी लोग भी हैं, सिस्टम में हो सरकार में हो नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनाया जाए तब विकास होगा, मंदिरों से विकास नहीं होगा, या तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन अयोध्या में हम अभी 2 दिन पहले अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या भी गए हुए थे, अयोध्या में सड़क बन गई चौड़ी चौड़ी, इतने लाखों करोड़ों ये बना दिया हॉस्पिटल है, लाखों करोड़ों, लेकिन तुम्हारी आस्था है तुम मंदिर में जाके हाथ टेक सकती हो, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बोलते डॉक्टर साहब भगवान हो तुम, आज तक किसी ने बोला? किसी ने। साइंस बड़ा नहीं है, जहाँ से साइंस तुम्हारा पूरा होता है ना, आज जो भारत एक राम मंदिर के लिए आज पूरा भारत तत्पर है 22 तारीख के इंजीनियर, कोई भारत में कभी नहीं, विश्व में कहीं हॉस्पिटल बनी तो पूरा देश की निगाह एक जगह पे कभी टिकी? क्यों? कि दुनिया में जहाँ तुम्हारा साइंस पूरा हुआ था ना, वहीं से आस्था और आध्यात्मिकता चालू शुरू होती है, तो विरोधियों के लिए क्या बोलेंगे जो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विकास जो है कि मंदिर से नहीं होता है? विकास मंदिर से ही होगा, मंदिर से ही विकास होगा, तुम्हारा गांव का छोटा नहीं, नहीं 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 मैं रोजगार की बात नहीं कर, तुम्हारा गांव में छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, जब तक तुम्हारी आस्था कोई जगह पे नहीं होगी तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, ना मेरा होगा ना आपका होगा। अपन मंदिर में जाते कौन सा आदमी ऐसा है जो भगवान को नहीं मानते? कौन सा डॉक्टर ऐसा है? एक डॉक्टर मेरे को बताओ। अरे तुम अमेरिका की बात करो, अमेरिका में भी वो डॉक्टर ऑपरेशन करे, मैं तो पूरा विश्व घूम चुका हूँ, ऐसा ऐसा करने लग जाते हैं, अब देख लेना कभी। लास्ट में वो भी जो है कि भगवान को ऐसा 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 करता है, ऐसा 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 करता है, वो क्या करता है वो तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा ऐसा वो भी करता है। अच्छा भगवान श्री राम के लिए कोई श्लोक कोई भजन थोड़ा सा बाबा को सुनाएंगे भगवान श्री राम के लिए? भगवान राम के लिए तो क्या, अब वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम, उसका कोई वचन नहीं होता, तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम। बाकी देख सकते हैं कि हमारे साथ कंबल वाले बाबा थे, बाकी आप लोगों को क्या लगता है, और हमारा ये प्रयास और बाबा जो है कि सारे लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास करते ही रहते हैं, ये कैसा आप लोगों को लगा एक बार बताइएगा जरूर, बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय श्री राम।